गाइस, ये अपने आप में बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करना है। इसके लिए मैं आपके पास लेकर आऊँगा वापस से एक अर्थ, ये मेरा ग्रीन प्लेनेट है। इसको देखो, प्रॉब्लम नंबर 22 को हमसे कह रहा है, इन विच डायरेक्शन विल आ फ्रीली सस्पेंडेड, देखो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है, वो अलाइन कर रही है। ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है, देखो ज़ियान को देखो, देखो कैमरे के अंदर देख, ठीक है भाई। चलो इस क्वेश्चन को देखते हो, हमसे कह रहा है इन विच डायरेक्शन विल अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट अलाइन इट्सेल्फ व्हेन प्लेस्ड एट द मैग्नेटिक पोल्स ऑफ द अर्थ। देखो अर्थ का मैग्नेटिक पोल है, अर्थ का मैग्नेटिक पोल कितने होते हैं? मैग्नेटिक पोल दो ही होते हैं, एक तो नॉर्थ पोल है और दूसरा साउथ पोल है। तो अर्थ के दो पोल हैं, एक है नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ जो है वो नीचे होता है जबकि साउथ ऊपर होता है। अब आप कहोगे सर नॉर्थ ऊपर होता, तो नॉर्थ जो है वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, वो अर्थ का खुद का है, ना कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास ये अर्थ है और मैं पोल पर हूँ, कहाँ हूँ? पोल पर हूँ। तो आप देखिएगा, पोल पर सिर्फ एक कंपोनेंट होता है मैग्नेटिक फील्ड, देखो पोल के अंदर को घुसता, अंदर को घुसेगा, एक तरफ से घुसेगा, एक तरफ से निकलेगा, इधर से घुसेगा तो इधर से निकलेगा। तो जैसे जैसे निकलेगा, देखो मैं इसको निडल को रख रहा हूँ, तो ये इस तरीके से निकलता और ये इस तरीके से घूमता हुआ ऐसे पहुँच जाता, पहुँचता नहीं पहुँचता। तो इसका मतलब अगर फ्रीली सस्पेंडेड मेरे पास कोई मैग्नेटिक निडल है और मैं पोल पर खड़ा हूँ, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, जिसकी वजह से वो निडल जो है वो वर्टिकली अलाइन हो जाएगी। मतलब अर्थ के सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। और ये आपको पता भी है, मैग्नेटिक निडल जो होती है, या फिर अगर आप डीप एंगल की बात करोगे तो पोल्स पर 90 डिग्री होता है, तो डीप एंगल यही तो बताता है कि मैग्नेटिक निडल एंगल कितना बना रही है, ठीक है। तो इक्वेटर पर 0 डिग्री होता है जबकि पोल्स पर 90 डिग्री होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये न्यूमेरिकल तो नहीं है, प्रॉब्लम नंबर 22 है, ये आपको क्लियर हो गई होगी। स्टिल डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, क्यों भाई कह दो, लाइक करो, अच्छा कहो।